ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग बेटा सर चिकन चिकन हाँ, इसके अंदर हम लोग एक कोरस स्पोर्ट बोलते हैं इसको, इसको डालते हैं ठीक है ना। ये बेसिकली MnO2 का बना होता है, इसके अंदर ये कार्बन का रोल होती है ठीक है ना। मान ली ये एनोड का काम करेगी, ये जो हमारा सेल बन के तैयार हुआ है कितने वोल्ट का ठीक है। ओके, तो ये हम लोगों ने इसका कैथोड टर्मिनल निकाल लिया है, और अभी इसको हम लोग इससे जॉइंट कर देते हैं ताकि हमारे पास दूसरा टर्मिनल आ जाए और पॉजिटिव टर्मिनल आ जाए। ये हमारे पास बन के तैयार हो गया है लैक्रांसी सेल। अब इसका जो EMF होगा, ये प्राइमरी सेल है, इसका जो EMF होगा वो 1.4 के अप्रोक्स होगा ठीक है। बहुत ज्यादा आइडियल बनता है तो 1.5 बन जाता है, अदरवाइज ये अप्रोक्स 1.4 के अप्रोक्स इसका EMF आता है। तो इसका EMF हमको अब 1.5 आया नहीं आया इसको कैलकुलेट करने के लिए हम वोल्ट मीटर यूज कर सकते हैं ठीक है। और वोल्ट मीटर थोड़ी बहुत रीडिंग थोड़ी एक्यूरेट नहीं दे पाता है, इसलिए हम लोग वो मल्टीमीटर यूज करते हैं, बट फिलहाल वो वर्क नहीं कर रहा है, हम लोग इसी से देख लेते हैं ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग कितना वोल्ट का बना है हमारे पास। तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोग कनेक्ट करने वाले, और नेगेटिव को नेगेटिव से ठीक है। इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे हम लोग, और इसको नेगेटिव टर्मिनल से ठीक है। ये थोड़ा लेंथी वायर होगा, छोटा वायर है, इसको कर देंगे मैम, इसको इधर लेके आओ एक बार, ऐसे ऐसे ले आओ। हम लोग चेक करते हैं, देखो हमारे पास ये वोल्टमीटर है जो वोल्टेज को मेजर करके देगा। इसके ये एंड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल है। अब हम लोग इसको पॉजिटिव को पॉजिटिव से एंड कर, इसको एक बार और देख लो, इसमें बेटा ये जीरो रिंग शो कर रहा है, जीरो पे है इसका, ये इसका मतलब नल डिफ्लेक्शन है फिलहाल, अभी कोई रीडिंग नहीं है। अब हम लोग पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ते हैं और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ते हैं। पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया है हम लोगों ने, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ दिया है 0.1 ठीक है। तो इसकी वैल्यू अंदर जोड़ देते हैं हम लोग, और दूसरा इस टर्मिनल से हम जोड़ देते हैं। इसकी वैल्यू ये जो वोल्ट मीटर है एक्यूरेट नहीं दे पा रहा है, 0.06 दे रहा है, 6 के अप्रोक्स दे रहा है, 0.4 ही है, यानी 5 से अबव है ना, 0.6 के अप्रोक्स दे रहा है ये रीडिंग। तो हम 0.1 हाँ, तो 0.6 के अप्रोक्स ये रीडिंग दे रहा है ठीक है ना। अब ये हो सकता है थोड़ा सा इसके अंदर कोई माइनस मिस्टेक हो, तो हम लोग मल्टीमीटर से चेक करते हैं ठीक है। बेसिक हमारा आज का टॉपिक क्या था, गैलन ब्लैक सेल बनाना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया हमने, वाटर, वाटर के अंदर अमोनियम क्लोराइड डाल दिया है, फिर हम लोगों ने कर दिया उसके बाद, उसके बाद हम लोगों ने ये रोड डाल दी है। रोड हमारे लिए किसका काम करेगी, पॉजिटिव टर्मिनल का, और ये जो जिंक रोड है ये किसका काम करेगी, नेगेटिव टर्मिनल। तो हमारा वही लैक्रांसी सेल बन के तैयार। इसका EMF आपको याद रखना है 1.4 के अप्रोक्स है, क्लियर है ठीक है। थैंक यू।